एक जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है, लेकिन वही इंसान मरने के बाद पानी पर इस तरह से तैरने क्यों लगता है? चलिए स्क्रीन पर डबल टैप करके पानी में हो रहे इस दोगलेपन के झोलमोल के पीछे की साइंस को समझते हैं। जिसको तैरना नहीं आता वो तो इस तरह से डूब जाता है, और मरा हुआ बंदर सर इस तरह से तैरता हुआ नजर आता है। इसके पीछे सारा खेल डेंसिटी का है। आपके बॉडी की डेंसिटी यानी घनत्व इस पानी से ज्यादा होता है। इससे जब आप पानी में उतरते हैं तो आपकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होने से आप इस तरह से डूबने लगते हैं। कुछ लोग जो पानी में डूब जाते हैं उनकी डेड बॉडी इस तरह से बॉटम में चली जाती है। मरने के बाद भी डेड बॉडी में मौजूद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बॉडी के अंदर अपना काम चालू रखते हैं। इसके साथ कुछ बैक्टीरिया डेड बॉडी की सेल्स को खाने लगते हैं। इससे आपका शरीर डीकम्पोज होने लगता है। इन सबसे डेड बॉडी में मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा गैसेस बनने और ट्रैप होने लगती हैं। ट्रैप्ड गैसेस के कारण डेड बॉडी फूलने लगती है। इससे डेड बॉडी की डेंसिटी यहाँ मौजूद पानी से कम हो जाती है। इससे ये डेड बॉडी पानी के सरफेस पर ऐसे तैरने लगती है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।